इम्तियाज अली की फिल्म रॉक स्टार से बॉलीवुड में कदम रखने वाली एक्ट्रेस नरगिस फाखरी ने एक बड़ा खुलासा किया है। नरगिस ने बताया कि जब वो मॉडलिंग करती थी तो उन्हें प्लेबॉय मैगजीन के लिए काम करने का ऑफर आया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। नरगिस ने बताया कि जब वो मॉडलिंग कर रही थी तो प्लेबॉय मैगजीन का कॉलेज एडिशन आता था। उनके एजेंट ने कहा कि वो लड़कियों के लिए पूछ रहे हैं और आपको भी उन्होंने चुना है। इस पर नरगिस ने कहा कि थैंक यू, मैं ऐसे ही अच्छी हूँ। उस टाइम प्लेबॉय मैगजीन बहुत फेमस थी और उसमें काफ़ी पैसा भी था, लेकिन नरगिस पैसों के लिए ये सब नहीं करना चाहती थी। कई डायरेक्टर्स ने उनसे फिल्मों में चांस के बदले गलत डिमांड रखी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिस वजह से कई सारे ऑफर्स उनके हाथ से निकल गए। नरगिस फाखरी ने मद्रास कैफे में तेरा हीरो, हाउसफुल 3 जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन वो बॉलीवुड में कामयाब नहीं हो पाए। वर्क फ्रेंड की बात करें तो नरगिस अपनी आने वाली फिल्म टोरबाज में संजय दत्त के साथ नजर आएंगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।